नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर में यात्रियों से भरी नाव नदी में डूबी, हादसे में 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पहले 8 लोगों की मौत की सूचना थी। बाद में प्रशासन ने बताया कि हादसे में 7 लोगों की डूबने से मौत हुई है। हादसा श्योपुर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के सरोदा गाँव में शनिवार शाम 4 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि सीप नदी में 11 लोग नाव में सवार होकर जा रहे थे। बीच नदी में तेज आंधी के चलते नाव पलट गई। 4 लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने सभी शव बरामद कर लिए हैं। ये सभी बड़ौदा के विजयपुर के रहने वाले हैं। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। श्योपुर जो जिला मुख्यालय है, उस जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर तहसील मानपुर में सरोदा गांव स्थित है। सरोदा से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर जैनी गांव है। वहां एक माली समुदाय के, माली जाति के 11 लोग जो है वो वहां किसी प्रसादी के कार्यक्रम में गए थे, स्वामनी में गए थे, और वहां से 5 किलोमीटर दूर यहां सरोदा में किसी मृत्यु शोक में उनको बैठने के लिए आना था, तो यहां वो लोग आए थे। और यहाँ बैठक में शामिल होकर सीप नदी के उस पार जो है अपने परिवार में किसी का जो बाड़ी बगीचा है वहाँ से सब्जी लेने के लिए वो जा रहे थे। तो उसी समय जब सीप को क्रॉस करते समय जब नाव लगभग उस छोर पर पहुँच रही थी, तब नदी में भंवर आया। तो भंवर आने के कारण जो है नाव पलटने से ये घटना हुई है। घटना में कुल 11 लोगों में से 4 लोग जो है जीवित निकाले जा चुके हैं और 7 जो है बॉडीज अभी SDRF के द्वारा निकाली गई है और अंतिम उनका जो हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो उसके बाद बता पाएंगे कि 7 में से कितने जो है डेड है और उसमें से यदि कोई जीवित है तो कितने हैं। बच्चे वगैरह भी हैं, कितने बच्चे बताए गए? 7 में से कुल 2 जो है वयस्क है, एक 35 वर्षीय पुरुष है, एक 30 वर्षीय महिला है और बाकी 5 जो है बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 से लेकर 15 वर्ष के बीच में है। 3 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं।